नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। पूजा करने के बाद में, ईश्वर का ध्यान करने के बाद में, अगर आप ईश्वर को ही सेम बात बोलते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, 11 टाइम्स तक आप एक बार में ये वाली बात बोलते हैं, आप इंस्टेंट ऐसा वाला मैजिक फील करेंगे, आप ऐसा वाला मैजिक फील करेंगे कि क्या बताऊं कि कैसे वाला मैजिक फील करेंगे। आपको बताना कि आपको कैसा वाला मैजिक फील हुआ। जब आप आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, उसके बाद में आपको अपने आप को बोलना है, आई एम ब्लेस्ड कि आज मैं जिंदा हूं, 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 आई एम ब्लेस्ड कि आज मैं जिंदा हूं। ये मैंने बोला है 11 बार। आप चाहें तो इसके साथ साथ भी बोल सकते हैं। ईश्वर का स्मरण कीजिए, ईश्वर का ध्यान दीजिए और उसके बाद में ईश्वर को ही ये वाली बात बताइए कि आप ब्लेस्ड हैं, कि आज आप जिंदा हैं। क्योंकि आप जिंदा हैं तो कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को आज से, अभी से बदल सकते हैं। जिंदगी यानी कि आप जिंदा हैं तभी तो आप जिंदगी को बदल पाएंगे। मुर्दा अपनी जिंदगी को नहीं बदल पाता है, वो बदल ही नहीं सकता है क्योंकि वो अब मुर्दा है। लेकिन अगर हम जिंदा हैं और ब्लेस्ड फील करते हैं और ईश्वर को भी ये बताते हैं कि जो उसने इतनी खूबसूरती से बनाया है, आज हम उसी को प्रेस कर रहे हैं, आज हम उसी को बोल रहे हैं कि थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज जिंदा हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि आज मैं जिंदा हूँ। सच में ये बहुत बड़ी बात है। मैं सच में खुश नसीब हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। ये सही मायने में खुश नसीब होना है, ये सही मायने में अपने नसीब को खुशनुमा बनाना है, ये सही मायने में अपने नसीब को सही तरीके से बनाना है, ये सही मायने में जीना है। आप ऐसा करके देखें और बताइए कि आपको कैसा फील हुआ। ये आप अपनी कभी भी पूजा पाठ जब भी आप करते हैं तब भी बोल सकते हैं, दिन में आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं तब कर सकते हैं, जब भी ऐसा लगे कि ईश्वर ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, ईश्वर ने तो हमेशा ही मेरे लिए सब कुछ बुरा कर दिया, ईश्वर तो कभी मेरी सुनता ही नहीं, तब ये बोलें। वो ना बोलें जो दुनिया से सीखा है, वो ना बोलें जो परिस्थितियों से सीखा है, वो ना बोलें जो लग रहा है, ये बोलें। क्योंकि ये सच्चाई है कि आप जिंदा हैं। और जब आप ईश्वर को ही बोलते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, तो एक्चुअली आप परमपिता परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ। क्योंकि मैं अगर जिंदा हूँ तभी बदलने के कुछ चांसेस हैं, अगर मैं जिंदा हूँ तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि मुर्दों का कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा इंसान ही ये चीज़ कर सकता है, डेड इंसान ये नहीं कर सकता है। तो जब तक हम जिंदा हैं हम रोज इस बात को दोहरा सकते हैं और अपने जीवित होने के जश्न को मना सकते हैं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे हर दिन हम जश्न मना सकते हैं, अपने होने के जश्न को मना सकते हैं और जी सकते हैं खुल करके। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।